तो आप सभी का स्वागत है गारंटी बेस में। और ये सिलेबस आप सभी ने देख ही रखा होगा, और इस सिलेबस को एग्जाम से पहले कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एएलएम, इलेक्ट्रिशियन और शिफ्ट अटेंडेंट से रिलेटेड, जो कि कोई भी एजेंसी अगर एचएसएससी एएलएम या एसए का एग्जाम बनाएगी तो उसको सिलेबस तो प्रोवाइड जरूर करवाएगी ना। तो सिलेबस प्रोवाइड करवाने के बाद जो भी एजेंसी एग्जाम बनाएगी वो दोस्तों इस सिलेबस में से देख के एग्जाम बनाएगी। अगर इस सिलेबस को आप कवर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हो सकता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा एग्जाम अगर पैटर्न डाला जाएगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो ये सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जहां भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये सिलेबस जरूर कवर करें। और हमारी एप आप एग्जाम बोर्ड डाउनलोड करके वहां से भी ये टोटल सिलेबस हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, तो वहां से भी टोटल कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम मार्किंग टूल के बारे में बात करेंगे। मार्किंग टूल आप पढ़ नहीं रहे हो, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो लाजमी है, पूछा जाएगा। कोई भी एजेंसी अगर पेपर बनाएगी ना तो ये जैसे इस टाइप के 20 टॉपिक दिए हों, कितने टॉपिक दिए हों, 20, और 20 के 20 में से आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट छूट जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रिल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, फिर ड्रिलिंग मशीन हो जाती है, यानी ड्रिलिंग मशीन कितने टाइप की होती है, फिर वेरियस जो वुडन ज्वाइंट होते हैं यानी लकड़ी के भी ज्वाइंट बनते हैं दोस्तों, आपने देखे होगा ना, जो आरी से काट के उसके ज्वाइंट बनाए जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये लकड़ी है, इसको ऐसे काट के और ऐसे इसके ज्वाइंट बनाए जाते हैं इस टाइप से, इस टाइप के ज्वाइंट आपको आने चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद सिंपल है ये चीजें। उसके बाद मार्किंग टूल, मार्किंग टूल आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, यह हम पढ़ेंगे। ये ऊपर भी मार्किंग टूल लिखा हुआ है, नीचे भी मार्किंग टूल लिखा हुआ है। उसके बाद क्लिपर और डिवाइडर, इसके बारे में पता होना चाहिए। सरफेस प्लेट्स यानी सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, उसके बाद स्क्राइबर, पंच, पंच कितने प्रकार के होते हैं, पंच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सरफेस गेज, टाइप्स, यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस, ये इतनी चीजें दोस्तों अभी हम कवर करेंगे इसी वीडियो के लेक्चर में। और कोर्स अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो दोस्तों एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे जाके टोटल कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये लेसन। ये इस टाइप से 20 टॉपिक दिए हुए हैं और ये एग्जाम से पहले दोस्तों हम हमारा टारगेट है ये पूरे करवा देंगे हम, ठीक है। जितना भी मैथ का सिलेबस बनता है, जितना भी दोस्तों हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कुछ इन्होंने अलग से डाला, ठीक है, इसी के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा अलग से इन्होंने आपके बाद डाला है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर उसको आप विदाउट देखे ऐसे ही किताब चक्के पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया ना आपने तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। जैसे एचपी, ठीक है, आईएचपी, ठीक है, बीएचपी, इनकी फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने किलो वाट होते हैं, कई बार वाट तो हम याद कर लेते हैं, किलो वाट याद नहीं करते, ठीक है। ये एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस की स्पेशल वीडियो डाल रखी है, वो आपको जरूर देखनी है, सिंपल सी बात है। एफपीएस फुट पोन्ड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, और एमकेएस से रिलेटेड भी मीटर किलोग्राम सेकेंड से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी, इनसे रिलेटेड भी, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये सभी टाइप के टॉपिक हम धीरे धीरे करवा रहे हैं और धीरे धीरे आप करते भी रहिएगा। ऐप को डाउनलोड करके सिलेबस जो है उसको कोर्स को परचेज कर लें और जितना जल्दी हो हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को और बेहतरीन बनाएं, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों हम आज का ये सेशन शुरू कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको हर एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे मार्किंग टूल, अभी मैंने जो सिलेबस बताया ना उसी में ये टॉपिक है, ठीक है। हमारी बुक में भी ये सिलेबस दिया हुआ है, बुक जिन्होंने नहीं ली है नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप बुक भी जितना जल्दी हो परचेज कर लें। मार्किंग टूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्किंग टूल से रिलेटेड आपको पता है क्वेश्चन तो लाजमी पूछा जाएगा। अब मार्किंग टूल होता क्या है ऐसा पूछा जाए तो इनका प्रयोग वर्किंग, ये मैं बात करूं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप कहोगे इनका प्रयोग वर्किंग जॉब पर मार्क करने के लिए, किसके लिए, मान लो कोई भी जॉब है, ठीक है, कोई भी मान लो जॉब है उसके ऊपर मार्क करने के लिए, मैं आपको ये मान लो जॉब है, अब इसको कहीं से मार्क करना है या मार्क करके उस पर जो है किसी टाइप का मान लो छेदर निकालना है, सुराख निकालना है, इस टाइप से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्किंग टूल क्या होता है, इसका प्रयोग चादर पर लगाई रेखाओं को अंकित करने, मतलब ये चादर है इस पर मतलब जो रेखाएं होती है, जो बिंदु इस पे लगाए गए हैं, ठीक है, उन रेखाओं को अंकित करने या बिंदु को लगाने के लिए, ये जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ इनको लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
निम्नलिखित में से किसका उपयोग चादर पर लगाई गई रेखाओं के अंकित करने या बिंदु लगाने पर किया जाता है? तो आप कहोगे मार्किंग टूल का यूज किया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो मार्किंग टूल आता है ना, वो आता है सेंटर पंच। क्या आता है? सेंटर पंच। सेंटर पंच को ध्यान से समझना है। अब सेंटर पंच से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है? देखिए पंच जो होते हैं ना दोस्तों, ये पंच जो होते हैं ना, दो तीन प्रकार के होते हैं। सेंटर पंच होता है हमारा, एक प्राइस पंच होता है, पिक पंच बोलते हैं जिसको, ठीक है? एक सेंटर पंच के अलावा एक डॉट पंच होता है। क्या होता है? डॉट पंच। सबसे पहला जो पंच पढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए इसमें डायग्राम में ये देखिए, इसको हम बोलते हैं सेंटर पंच, ठीक है? ये क्या होता है? 90 डिग्री, जो सेंटर इसकी जो निब होती है दोस्तों, ये कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे होती है, ठीक है? तो ये 90 डिग्री का वो हमारा जो पंच है वो लगाने के काम आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बिंदु कोण 90 डिग्री होता है। इसकी सहायता से धात्विक शीट पर मोटे तथा कम गहराई के मार्क किए जाते हैं। मोटे तथा कम गहराई के मार्क किए जाते हैं। इन मार्क पर ड्रिल मशीन की बिट को लगाकर शीट पर होल किए जाते हैं, ठीक है? ड्रिल मशीन की बिट को लगाकर क्या करते हैं, इन मान लो ये मार्किंग टूल है, तो ये क्या कर रहा है? मार्क कर रहा है किसी चीज को, ठीक है? मार्क करने के, अब देखिए दोस्तों कोई भी चादर है ना, उसके ऊपर हम डायरेक्ट हैंड्रिल लेके अगर सुराख करने बैठेंगे तो ड्रिल मशीन इधर उधर जाएगी, है ना? तो ये यूज किया जाता है। क्लियर है भाई बात? तो अपने देसी हिसाब में भी इनको समझना आपको, क्योंकि ज्यादा इनके अंदर किताबों के अंदर घुसोगे ना, तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली चीजें, तो आपको मोटा मोटा सीखना क्या होता है क्या? अब इसकी धातु इसमें नहीं दी गई, अब धातु भी आपको याद रखनी है। सेंटर पंच की धातु कौन सी होती है भाई? आप कहोगे हाई कार्बन स्टील। एक तो ऑप्शन दिया जाएगा हाई कार्बन स्टील, और एक ऑप्शन दिया जाएगा हाई स्पीड स्टील। दोनों में से एक दिया जाएगा, दोनों में से एक दिया जाएगा, तो वो आप राइट करके आ जाओगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। सेंटर पंच से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। सबसे पहला पंच पढ़ रहे हैं सेंटर पंच, क्लियर है? सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिंट पंच, ये तीन प्रकार के पंच होते हैं जो मार्किंग टूल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? यहां से क्वेश्चन, अब ज्यादा ना आप इलेक्ट्रिकल की जो चीज, अब ट्रांसफार्मर ही पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, अरे भाई ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो आम लोग सही कर लेंगे, वो बहुत रट रखा है लोगों ने। अब उन टॉपिक पे फोकस करो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखे हैं, क्लियर है? तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ये चीजें आप नहीं सीख रहे हो तो बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है, इसीलिए मैं ये चीजें बार बार आपको बता रहा हूं, क्लियर है? चलिए अगला पंच देख लेते हैं। अगला हमारा कौन से प्रकार का हो जाता है? अगला है प्रिंक पंच, ठीक है? प्रिंक पंच इसको बोलते हैं, प्रिंक पंच बोलते हैं, ठीक है? तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्रिंक पंच में बिंदु कोण 30 डिग्री, यही तो पूछा जाएगा। सेंटर पंच आ जाए ना तो आप कहोगे 90 डिग्री, सेंटर पंच आ जाए तो 90 डिग्री, और प्रिंक पंच आ जाए तो 90 डिग्री। इसका बिंदु कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसकी सहायता से धात्विक शीट पर हल्के तथा अधिक गहराई के, हल्के उसमें क्या था, उसमें क्या, इसमें तो था, इसमें है हल्के तथा अधिक गहराई, उसमें था कम गहराई, वो कम गहराई तक होता है, ठीक है? के मार्क बनाए जाते हैं, क्लियर है? ये हो जाता है हमारा प्रिंक पंच। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से पंच का बिंदु कोण जो है वो 30 डिग्री होता है, तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आप बता दोगे प्रिंक पंच का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया धातु शीट पर हल्के तथा अधिक गहराई के मार्क किस प्रकार के पंच से बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे प्रिंक पंच से बनाए जाते हैं, ठीक है? अब पिछला भी मैं दिखा देता हूं, इसके साथ तुलना करोगे ना आप आसानी के साथ। ये देखिए मोटे तथा कम गहराई के, अब उसमें क्या हो गया, हल्के तथा अधिक गहराई के। चीजें आपको नोट करनी है, हल्के तथा अधिक गहराई के, नोट्स बना लीजिए। ये पीडीएफ में जो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर चुके हैं ना, ये पीडीएफ उनके अंदर मिलती रहेगी आपको। जो हमारा पेड जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, वहां उसको ज्वाइन कर लें। वहां ज्वाइन नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है, जल्दी ज्वाइन करें। उसके अंदर डेली की डेली पीडीएफ आएगी, पीडीएफ को एग्जाम से पहले रट के फेंक देना, ठीक है? तो ये हो गया। तो ये विभिन्न कोण के बनाए जाते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं। हम तीन प्रकार के पंच पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा सेंटर पंच। सेंटर पंच जो होता है वो 90 डिग्री पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, और वो अधिक गहराई के, ठीक है, वो जो है कम गहराई के, सॉरी कम गहराई के जो मार्क किए जाते हैं वो 90 डिग्री वाले सेंटर पंच से करते हैं। प्रिंक पंच की बात की जाए तो आप कह देना प्रिंक पंच का बिंदु कोण 30 डिग्री तक होता है, क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल गलत आपको नहीं करना है, ठीक है? ये मैंने दिखा भी दिया, ये वाला जो था ना, इसको प्रिंक पंच, नीचे नाम लिखा हुआ प्रिंक पंच। ये हम ना टूल ना देखेंगे ना तब याद होगा, टूल देख नहीं रहे तो दिक्कत है, टूल को आपको देखना पड़ेगा तभी आप याद कर पाओगे। प्रिंक पंच की दोस्तों हमने बात कर ली। अब डॉट पंच की तरफ चलते हैं। डॉट पंच तो बिल्कुल ही सिंपल है। डॉट पंच के आप कह दोगे 60 डिग्री का वो जो बिंदु बनता है उसकी हम बात करें। ये हल्की धात्विक सीटों पर, यानी हल्की हल्की जो सीटें होती है, हल्की धातु की जो सीट होती है उनके अंदर इस प्रकार के जो वो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है? और इस प्रकार का जो होता है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये आप कह दोगे ये डॉट पंच है, ये सिर्फ डॉट सा बनाता है,
क्लियर है, ये लोड सा बनाता है जिसको आप आसानी से याद कर लोगे। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तीन प्रकार के फंस में से, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। एक वैसे पिन फंस भी होता है, पिन, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी ना पिन टाइप से लगी होती है, ठीक है, उसका उपयोग क्या किया जाता है, ताला लगाने वाली पिन, मेक पेन, ठीक है, ऐसी पिन होती है उसके अंदर, ठीक है, उनको बाहर निकालने, धातु की चादर से बाहर निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब उसके वैसे पांच प्रकार के आते हैं जो हमारे, कौन से पिन फंस की मैं बात कर रहा हूँ, पिन, PIN, पिन फंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, हम वही फंस या वही सिलेबस के अंदर चीजें करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्लियर है। अब इसके अलावा तो दोस्तों सॉलिड पंच भी आता है, SOLID, सॉलिड पंच, ठीक है। अब सॉलिड पंच क्या होता है, ये शीट मेटल में जो किल्लक होती है, रिवट, रिवट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से, अगर सॉलिड पंच पूछा जाए तो वो। उसके बाद एक खोखला पंच आता है, खोखला छेदक पंच, हेलो पंच बोला जाता है, ठीक है, उसमें क्या, उसका उपयोग कहाँ करेंगे, उसका उपयोग पतली चादर में सुराख डालने के लिए, पतली सी चादर है उसके अंदर सुराख डालने के लिए हम करेंगे कौन सा, हेलो पंच इस्तेमाल, ठीक है। तो ये पंच हो गए हमारे, पंच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अभी तक आपने एसएससी का सिलेबस नहीं देखा है टेक्निकल परीक्षाओं का, अभी से देखना शुरू कर दो, ठीक है, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में आ सकते हो, जिन्होंने अच्छे खासे पैसे भी लगा रखे हैं, फॉर्म भी भर रखे हैं, सीटी भी पास आउट है, इतनी भर्तियों का मौका वैसे मिलना नहीं है। सब्सक्राइबर की दोस्तों हम बात करेंगे, सब्सक्राइबर इसको ना हिंदी में क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर को, इसको बोलते हैं खुरचने का औजार, किसी चीज को क्या कर रहा है, खुरच रहा है। अब इसकी धातु पूछी जाएगी, पंच की धातु होगी ना, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील भी दे सकता है एग्जामिनर को ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की भांति धात्विक सीटों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है, देखिए पेंसिल की भांति धात्विक सीट पर क्या खींच रहा है, लाइन खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खुरचने का औजार, जिसको जो है क्या बोलते हैं हम, स्क्राइबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्राइबर, ठोस तथा टेम्पर के, इसका आगे का फेस जो होता है ना, ठीक है, इसका जो ये वाला फेस जो होता है ना, इसको आगे से क्या कर देते हैं, ठोस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए, तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। आगे वाला जो सिरा होता है दोस्तों, इसको हम 90 डिग्री कहेंगे, ये वाला सिरा होता है ना, ये एक सिरा इसका सीधा होता है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछ लेना आपसे कि निम्नलिखित में से जो चित्र दिखाया गया उसका नाम बताएं, तो आप कहोगे ये कौन सा है, ये स्क्राइबर है, क्या है, स्क्राइबर। तो इसमें भी कोई कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका एक सिरा 90 डिग्री, एक सिरा तो सीधा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से औजार का एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री पे होता है, आप कहोगे स्क्राइबर की बात की जा रही है, खुरचने के औजार की बात की जा रही है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, देखिए ये ना हल्के हल्के टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा विभाजक आ जाता है, इसे हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, किसका, हाई स्पीड स्टील का। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये सारे जो धातु होते हैं ना दोस्तों, ये हाई स्पीड स्टील के बने हुए हैं सारे औजार। अब इसका तो पता है, ये जो हमारा प्रकार टाइप का होता है, तो धात्विक सीट पर वृत्त बनाने के लिए, ये तो आप देखते ही बता दोगे कि इसका यूज कहां कर रहे हैं, तो आप कहोगे धात्विक सीट पर वृत्त बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिवाइडर बोला जाता है। डिवाइडर के अलावा इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा इसको किस धातु का बनाया जाता है, तो आप कहोगे कार्बन स्टील का इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको जो है हम कर सकते हैं, 200 mm तक के अर्धव्यास की चाप इससे दोस्तों हम लगा सकते हैं, साइज पूछा जा सकता है कई बार, 200 mm की अर्धव्यास, ठीक है, तो इसके साथ इसका लगा सकते हैं। यह मजबूत जोड़ और लचीला प्रकार का लगाता है, जोड़ जो लगाता है ना वो मजबूत, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसे एक कंपास जो आता है ना दोस्तों, जिसको प्रकार बोलते हैं, वो अलग होता है, वो इसके साथ मैच नहीं करना, प्रकार जो होता है ना वो अलग होता है, डिवाइडर अलग होता है, प्रकार उसको कंपास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपास। कंपास जो होते हैं दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है साधारण प्रकार, एक लचीला होता है, एक सहिती प्रकार का होता है, एक पंख प्रकार का होता है, ठीक है। इसको ऑर्डिनरी बोल देते हैं, स्प्रिंग बोल देते हैं, बीम बोल देते हैं और विंग बोल देते हैं, चार प्रकार के कंपास आते हैं, लेकिन कंपास एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा डिवाइडर, एग्जाम में पूछा जाएगा पंच, एग्जाम में पूछा जाएगा डॉट पंच, एग्जाम में पूछा जाएगा सेंटर पंच, ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। चलिए ड्रिल मशीन सभी जानते हैं, इनका उपयोग धातु लकड़ी या दीवार में छेद निकालने के लिए, ड्रिल मशीन कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले प्रकार की जो ड्रिल मशीन आ गई वो आ गई हमारी जिमलेट, जिमलेट भी से भी तो हम सुराख निकालते हैं ना लकड़ी के अंदर, ठीक है। तो इसका उपयोग लकड़ी में छेद निकालने के लिए किया जाता है, इसका साइज निर्धारण इसके द्वारा बनाए गए छेद पर, इसके द्वारा बनाए गए छेद पर निर्भर करता है, इससे छेद निकालेंगे पहले, फिर उस छेद पर डिपेंड करता है कि इसका माप क्या होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों जिमलेट, क्या बोलते हैं, जिमलेट। ऐसी
आकृति दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये औजार कौन सा है, फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखोगे आप, है ना। तो आप पहले ही पढ़ लो, अभी से ही शुरू कर दो इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार ये चीजें पढ़ ली ना आपने तो ये भूलने वाली चीजें नहीं है, ये आप आसानी के साथ, ये टूल ही तो है जो हम घरों वगैरह में यूज करते हैं, वही टूल तो है, ठीक है। तो ड्रिल एंड ड्रिलिंग मशीन टॉपिक तो आपने देख लिया ना एसएससी के अंदर, तो ये ड्रिल एंड ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड, ठीक है। ये जिमलेट टूल है, लकड़ी के अंदर सुराख निकालने के लिए यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जो है यूज इसका नाप कैसे लिया जाता है, तो आप कहोगे छेद करके फिर इसका माप का निर्धारण करेंगे, क्लियर है भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए वो भी आपका गलत। सुम्बा ब्रेडवल टूल, पोकर सुवा नहीं बोलते क्या उसको, जो पोकर के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, पोकर सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। तो पोकर के बारे में, इसे पोकर भी कहा जाए, इसकी उपयोग लकड़ी की सीटों पर लकड़ी पर पेच कसने से पूर्व छोटा खांचा, पेच कसने से पहले हमने एक छोटा खांचा बना लिया तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आप गलत नहीं करोगे। ब्रोडवेल टूल बोल दिया, सुम्बा सुम्बा या उसको बोल देते हैं पोकर, पोकर को क्या बोल देते हैं, सुवा भी तो बोल देते हैं ना, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाता है एक टाइप का औजार। ये टूल तो मैंने दिखाया नहीं आपको, ये देखिए, ठीक है, ये ब्रोडवेल, ठीक है, ये हैंडल है इसका, ये इसका सैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसको स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये अलग चीज है, ये है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोकर। चलिए बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। और आगे है हमारा हैंड ड्रिल मशीन। अब हैंड ड्रिल मशीन को कौन नहीं जानता, हैंड ड्रिल मशीन के को आप सभी जानते हो। तो इसमें से एक क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है कि इस आगे वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे इसको चक नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, चक नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहां जो लगा होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रेम, जिसके अंदर पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेम। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये व्हील लगा हुआ है, इसको घुमाते हैं, यहाँ पे दबाव डालते हैं, यहाँ से पकड़ के रखते हैं, तो ये हमारा सुराख हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। इसका उपयोग भारी धातुओं में छेद निकालने के लिए, इसका उपयोग भारी धातुओं में छेद निकालने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हाथ में पकड़ कर किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतम 6.5 यानी 6.5 mm व्यास के होल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो पता ही है सबको, ये होल बनाने के लिए तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको एक टाइप से हैंड ड्रिल मशीन बोल देते हैं ना, हैंड ड्रिल मशीन, या दोस्तों इसको एक टाइप से और भी बोलते हैं, ठीक है, हस्त चलित मशीन ऐसा, इसको बोलते हैं हाथ संचालित छेदन यंत्र, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ऐसे दिया जाएगा हाथ संचालित छेदन यंत्र, तो आप दिमाग घूम जाएगा आपका। तो ये आपको ये ध्यान में रखनी है ये चीजें, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है और कहाँ से उठा रहा है, और क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़ना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना है तो आपकी जो है हिंदी में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, हाँ। तो आपको इसके साथ जरूर पढ़ना। देखिए इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, इसको कौन नहीं जाता, यह ड्रिल मशीन बारी गेज की धात्विक सीटों पर होल निकालने के लिए प्रयोग में ली जाती है। सीटों की नहीं, किसी भी लकड़ी का भी हो, कुछ भी हो, इसे विद्युत सप्लाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ड्रिल मशीन को तो सभी जानते हैं, एक तो आती है लाइट ड्यूटी, ये जो होती है दोस्तों एक लाइट ड्यूटी होती है, अगर हेवी ड्यूटी होगी ना दोस्तों तो इसके ऊपर ऐसे एक और पकड़ने का लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर भी लगा होता है, तो उसको बोल देते हैं हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन। कौन सी, हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन। तो दोनों ही चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक ड्रिल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। पावर ऑपरेटेड ड्रिल मशीन, दूसरे नाम में इसे जानते हैं, ये बिजली से चलती है, सिंपल सी बात है, इन यंत्रों पर बिजली वाली मोटरें लगी होती है। इसके अंदर कई बार मोटर पूछ ली जाती है, कौन सी मोटर, आप कहोगे इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी होती है। कौन सी, यूनिवर्सल। इसके अंदर ना यहाँ स्पार्किंग नजर आती है, स्पार्किंग कम्यूटेटर पर होती है वो, ठीक है। तो कम्यूटेटर पर होती है ना, तो ये ड्रिल मशीन जो है ये डीसी पे भी चल जाएगी, इसको आप डीसी सप्लाई दोगे ना तो डीसी पे भी चल जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बर्मे के लिए इसका जो एक आगे आगे वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस पार्ट को बना के इसका एग्जाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है ना, जहां जल्दी ज्यादा सुराख की जरूरत होती है, वहां इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगला है बेंच इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, तो ये बेंच वाली से भी जानते हैं आप, ठीक है। इस ड्रिल का मशीन का उपयोग इसको एक स्थान पर फिक्स करके किया जाता है। इसका उपयोग भारी चादरों में, अब कोई बड़ी चादर है मान लो, भारी चादर है, तो उसका इस्तेमाल यहां कर लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी बेंच इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। देखी तो सभी ने है वर्कशॉप के अंदर, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो देखी होगी, हो सकता है डिप्लोमा वालों ने भी देखी हो, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम बेंच इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। ये बेंच पर कसी होती है और इसको किसी भारी चादर या भारी कोई भी चीज है तो उसके अंदर हम सुराख निकाल सकते हैं, क्लियर है भाई। इसका अधिकतम व्यास जो होता है वो होता है 12.5 mm, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक बनते हैं एसएससी की तरफ से,
आगे है रैचेट ब्रेस। क्या है रैचेट ब्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो रैचेट ब्रेस से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ये मुड़ी हुई सी होती है ना, ठीक है, तो ये हमारी होती है रैचेट ब्रेस। इस आगे वाले बाघ को, इसके आगे वाले बाघ को कह देते हैं हम जा, क्या बोल देते हैं जा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसका क्या है हैंडल, ये इसका क्या है हेड नोब है। क्या है हेड नोब? कई बार क्या करता है ना एग्जामिनर, टूल बना देता है, फिर उसके दो नाम तो दे देगा, तीसरा नाम पूछ लेगा कि दिए गए चित्र में जो अंकित चीज की गई है उसका नाम बताएं, ठीक है। और ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं, ये जो पाइप सी लगी होती है इसको बोलते हैं कनेक्टेड स्टील बो, कनेक्टेड स्टील बो। तो यहां से भी क्वेश्चन उठाया जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, ठीक है। रैचेट ब्रेस की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, ये एक टाइप से इसको कई बार ना बर्मा भी लिख देते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं पर होल बनाने के लिए किया जाता है। रैचेट ब्रेस के साइज का निर्धारण इसमें उपयोग प्रयोग की जाने वाली ड्रिल बिट, यानी इसके अंदर जो ड्रिल बिट बिट लगाएंगे ना, ठीक है, तो उसको जो है दोबारा किया जाएगा, जो इसके आगे ड्रिल बिट लगाते हैं, क्लियर है। और ये जो होती है दोस्तों, इसके बारे में एक हल्का सा क्वेश्चन दिया जाता है कि ये एक ही दिशा में घुमानी होती है इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी बिट इसी टाइप से तैयार की जाती है। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्लिपर्स। क्लिपर्स के बारे में दोस्तों आप सभी जानते ही हो, क्लिपर कितने प्रकार के होते हैं पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो क्लिपर से रिलेटेड पड़ी हुई है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। सबसे पहले क्लिपर, क्लिपर की सहायता से मापे जाने वाले मान को स्टील रूल पर पढ़ा जाता है। क्लिपर स्टील रूल पर 0.5 mm की परिशुद्धता के साथ प्रयोग कर देते हैं। अभी ये शुद्धता वाले क्वेश्चन तो सिलेक्टेड बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्लिपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शुद्धता से पूछा जाएगा कि इनकी शुद्धता कितनी होती है, तो आप कहोगे की शुद्धता होती है 0.5 mm, ठीक है। आगे इसमें इसका डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से होता है, प्रकार के प्रकार से ही होता है, ठीक है। अंकन का औजार भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा आगे, क्लिपर के प्रकार, इनसाइड क्लिपर, ठीक है। इनसाइड क्लिपर हो जाता है हमारा, ये इस टाइप का होता है ना, ये होता है इनसाइड क्लिपर, ये अंदर से किसी चीज का गेज मापता है, तो उसको बोलते हैं। इसका उपयोग वर्किंग पीस के आंतरिक व्यास का मापन करने के लिए, किस कोण से व्यास का, आंतरिक व्यास का मापन करने के लिए इस प्रकार का जो है प्रयोग करते हैं इनसाइड क्लिपर, ठीक है। जैसे हमारा छेदों में है कोई, तथा कोई नालियों में है, ठीक है, कोई चौड़ाई मापने के लिए, तो उस साइड उस टाइप का जो प्रयोग करेंगे तो वो करेंगे हम आंतरिक क्लिपर, ठीक है। अब हमें अगला देख लेते हैं, अगला जो है दोस्तों वो है हमारा बाह्य, यानी आउटसाइड क्लिपर। ऐसे होते हैं ना दोस्तों, ये सेम प्रकार के हमारे माइक्रोमीटर होते हैं, इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ साइड, ठीक है। ये तीन प्रकार के दोस्तों माइक्रोमीटर होते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाह्य क्लिपर से। आउटसाइड क्लिपर क्या होगा? बाहरी, इसका उपयोग बाहरी वर्किंग पीस के बाहरी व्यास का मापने के लिए, बाहरी जो व्यास होगा उसका प्रयोग हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये जो है कोई भी मजबूत, मान लो इसकी धातु पूछ ली गई एग्जाम में, तो आपको ये माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील। क्या क्या चीजें मापता है? लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई सभी चीजें माप सकता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक बनते हैं एसएससी की तरफ से, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है जेनी क्लिपर। कौन सा है? जेनी क्लिपर। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए, इसका उपयोग वर्किंग पीस पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मार्किंग करने, सिर्फ ओनली मार्किंग। इसका उपयोग जॉब की फिनिशिंग के अनुसार समांतर लाइनें खींच लें, ठीक है। ये एक टाइप ये है, एक साइड ये है, इससे हम क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे कि समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसे ओड लेग क्लिपर या लेग एंड ज्वाइंट क्लिपर, और इसको इन नाम है ये अलग अलग, ठीक है, ठीक है। तो ये नाम भी आपको पढ़ लेने हैं। वैसे जेनी क्लिपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, जेनी क्लिपर से अगर क्वेश्चन पूछा गया ना, वो इतना ही पूछा जाएगा कि जेनी क्लिपर का उपयोग कैसे किया जाता है, जेनी क्लिपर की धातु कौन सी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते थे हमारे सिलेक्टेड जो मैंने करवाए हैं आपको, इन्हीं से रिलेटेड हो सकता है शाम को एमसीक्यू का टेस्ट हो जाए, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, अब मैंने माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताया था ना कि माइक्रोमीटर की शुद्धता पूछी जाती है एक तो, ठीक है, तो इनकी शुद्धता से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। माइक्रोमीटर किस धातु के बनाते हैं और माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर हमारा वर्नियर क्लिपर, वर्नियर हाइट हमारा हाइट गेज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बनते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी शुद्धता से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, इसकी सहायता से हमारे चद्रों, प्लेटों तथा गोल वस्तुओं के बाहरी व्यास को 0.0, ये शुद्धता होती है, 0.01 mm शुद्धता के साथ मापी जाती है। इसका बेरल एक 25 mm लंबी डेंटम लाइन बनी होती है। माइक्रोमीटर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। अब आगे क्या लिखता है, एक बेरल पर एक 25 mm लंबी डेंटम लाइन बनी होती है, ये वाली, ठीक है, होती है। यह रेखा
अर्ध एमएम विभाजित होती है। स्पिंडल पेज पिच 0.5 mm होती है, इसलिए स्पिंडल को एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल 0.5 mm। ये क्वेश्चन बोलता है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के अंदर माइक्रोमीटर के एक चक्कर घुमाने पर कितना फर्क पड़ता है, तो आप हो गए 0.5 mm। आगे बढ़ता है, थिम्बल के वेवल किनारे की परिधि 50 भागों में विभाजित होती है या नट बोल्ट के, ये सिलेक्टेड बनता है। देखिए दोस्तों ये वाला ठीक है, यह अब क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहोगे माइक्रोमीटर जो होता है वो हमारा नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोमीटर आपने देख लिया, ये जो होता है दोस्तों ये माइक्रोमीटर फ्रेम है, इसको क्या बोलेंगे माइक्रोमीटर फ्रेम, ठीक है, इसको हम थिम्बल एज बोल देते हैं, ये इसका मार्किंग है, से सारी चीजें यहाँ पे मार्क की गई, इसको थिम्बल मार्किंग बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं थिम्बल मार्किंग। तो हम इससे क्या करते हैं दोस्तों, इससे हम 1/16 भाग यानी 16 भाग या 0.001 0.001 या 0.0 mm तक सही माप सकते हैं, सही मापन के लिए यूज करते हैं, मतलब बारीकी से काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए जो माइक्रोमीटर जो होते हैं ना दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, आउटसाइड जो बाहरी जोब को मापता है आउटसाइड हो जाएगा, उसके बाद पूछा जाए इनसाइड तो अंदर की साइड जो मापेगा तो वो हो जाएगा, उसके बाद डेप्थ पूछा जाए तो आप कहोगे गहराई की कोई चीज मापेगा, ठीक है, कोई चीज गहरी है उसको मापना है तो आप कहोगे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे, वो हो जाएगा डेप्थ। डेप्थ आउटसाइड इनसाइड सेम क्लिपर है हमारे, अभी अभी हमने हमने क्लिपर भी तो पढ़े थे ना दोस्तों, ठीक है, हमने ये सेम क्लिपर है, देखिए इनसाइड आउटसाइड और जेनी, इनसाइड आउटसाइड और जेनी, ठीक है, ये क्लिपर भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो सिलेक्टेड टूल टूल बनते थे ना, अब देखिए हेक्सा होती है ना, हेक्सा ब्लेड, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं लेके आए क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ी सी वो हो जाती है, थोड़ा सा ये बोलने वाली चीजें हैं, तो आपको 2 बार तो वीडियो देखनी देखनी है, अगर 2 बार वीडियो नहीं देख रहे तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। वर्नियर क्लिपर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, ज्यादा लंबी वीडियो से आप तो शायद बोर भी हो जाते होंगे, ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे लेसन के साथ करेंगे, जितने टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। तो एग्जाम बोर्ड ऐप पे जाके दोस्तों डाउनलोड कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं की है, ठीक है, और सारी चीजें कवर कर लें। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत।